नमस्कार जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। बड़ी खबर आ रही रूस से, क्योंकि रूस में 20 साल से कार्यरत पुतिन अब इस्तीफा देने वाले। आखिरकार क्या वजह है, पुतिन इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं? या तो उन्हें कोई बीमारी है या सिर्फ गर्लफ्रेंड के कहने से ही इस्तीफा दे रहे। वहीं पर भारत में भी कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि आखिरकार पुतिन इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। तो आज ये बड़ी बात है, मैं आपके सामने कुछ सबूत रखने जा रहा हूं, कुछ बातें दिखाने जा रहा हूं पुतिन की, जो खुद पुतिन कहते नजर आ रहे हैं। यानी कि 20 साल से लगातार राष्ट्रपति की पद पे रहने वाले पुतिन अब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। बस आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, गर्लफ्रेंड के कहने पर दे सकते हैं इस्तीफा। यानी कि जो हमें खबर मिली उसमें ये भी है कि पुतिन जो है एक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, इसीलिए जनवरी में पुतिन इस्तीफा दे देंगे। बता दूं आपको, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सत्ता छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों का दावा है कि पुतिन पार्किंसंस की बीमारी से जूझ रहे हैं और गर्लफ्रेंड के कहने पर जनवरी में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पुतिन किससे इस्तीफा देने की अपील उनकी गर्लफ्रेंड अलीना कबायुआ और बेटियों ने किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पार्किंसन बीमारी से जूझ रहे हैं। पिछले करीब 20 साल से रूस पर राज कर रहे राष्ट्रपति पुतिन अगले साल की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि पुतिन से इस्तीफा देने की अपील उनकी गर्लफ्रेंड जिमनास्ट अलीना कबायबा और उनकी दो बेटियों ने किया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे हैं। हाल में आई तस्वीरों के बाद पुतिन के बीमारी की अटकलें और तेज हो गई हैं। मॉस्को में राजनीति विज्ञानी वलेरी सोलोवेई ने ब्रिटिश अखबार द सन से कहा कि रूसी राष्ट्रपति की गर्लफ्रेंड और उनकी दो बेटियां पुतिन को इस्तीफा देने के लिए जोर डाल रही हैं। उन्होंने कहा, पुतिन एक परिवार है और उसका रूसी राष्ट्रपति पर गहरा प्रभाव है। पुतिन जनवरी में सत्ता किसी और को सौंप सकते हैं। उन्होंने कहा कि संभवतः राष्ट्रपति पार्किंसन से जूझ रहे हैं और हालिया तस्वीरों में उनकी इस बीमारी के लक्षण भी दिखाए गए हैं। आपराधिक कार्रवाई से बता दूं आपको, आपराधिक कार्रवाई से पुतिन को आजीवन छूट। पुतिन हाल ही में लगातार अपने पैर इधर उधर करते देखे गए थे और द सन के विशेषज्ञों के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति दर्द से पीड़ित थे। इस दौरान पुतिन ने एक हाथ में लिया था और विशेषज्ञों का दावा है कि इसमें दवाएं थी। पुतिन के इस्तीफे देने की अटकलें ऐसे समय में तेज हो गई जब रूसी सांसद एक विधेयक को लाने पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत आपराधिक कार्रवाई से उन्हें आजीवन छूट मिल सकती है। यही नहीं बल्कि इस नए विधेयक को खुद पुतिन ने ही पेश किया था और इसके मुताबिक पुतिन के जिंदा रहने तक उन्हें कानूनी कार्रवाई से छूट रहेगी और राज्य के ओर से उन्हें सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। रूस के सरकारी चैनल आरटी के मुताबिक यह विधेयक रूस में सत्ता के हस्तांतरण में का संकेत है। ऐसा पहली बार नहीं जब लोगों ने ऐसी अटकलें लगाई हैं कि पुतिन को पार्किंसन की बीमारी है। सोलोवेई ने कहा कि जल्द ही एक नया पीएम बनाया जाएगा और उसे पुतिन के संरक्षण में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यानी कि पूरी जोरों तोड़ों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पुतिन एक तरफ जहां इस्तीफा देंगे कि दूसरी तरफ एक नया चेहरा राष्ट्रपति के रूप में तैयार हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि उसकी ट्रेनिंग जो है वो खुद पुतिन देंगे। यानी कि जो उसका कार्यभार है, क्या उसे करना है, इसकी जानकारी पुतिन देंगे। तो सोचने समझने वाली बात है कि आखिरकार हमने आपको बता दिया है कि पुतिन इस्तीफा क्यों देने वाले हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या मुश्किलें पड़ गईं और जो कुछ लोग कह रहे हैं
कि गर्लफ्रेंड के कहने पर पुतिन इस्तीफा दे रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गर्लफ्रेंड के कहने पर नहीं, बल्कि उनको एक बीमारी है और उनके पांव कई बार लड़खड़ा चुके हैं, और ऐसा ना हो कि अचानक रूस का चिराग बुझ जाए और दुश्मन देश उस पर हमला बोल दे। उससे पहले ही ये निर्णय लेना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सही होगा। और सही बात यह है कि जो उसका नया चेहरा होगा, नया राष्ट्रपति बैठाया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग और उसकी जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो कहीं ना कहीं पुतिन के सर पर ही रहेगा। तो आज ये रूस की खबर जरूर दिल दहलाने वाली है। अचानक से भारत में खबर आई और अचानक से लोग इसको ट्रेंडिंग पर ला दिए। यानी कि बात ये है कि पुतिन अब यही चाहते हैं कि अब उनको थोड़ा रेस्ट मिले, क्योंकि 20 साल से लगातार वो सत्ता में रहे हैं, 20 साल से लगातार वो राज करते चले आए हैं रूस में, और भी आने वाले कई सालों में उन्हीं का राज होने वाला था। यानी कि कहें तो हो चुका, क्योंकि मुहर लग चुकी है, और भी उनका कार्यभार बढ़ा दिया गया था, लेकिन उनकी तबीयत न ठीक होने की वजह से उन्हें मजबूरन अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई चाल नहीं है, बस बात यह है कि अब पुतिन वो कार्यभार नहीं संभाल पाएंगे। अब पुतिन में इतना दमखम नहीं रह चुका है कि वो अब राष्ट्रपति पद की सम्मान कर सके, राष्ट्रपति पद पर रहकर कार्य कर सके, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो राष्ट्रपति कह सकते हैं कि अगर वो स्वस्थ है तभी वो कार्यभार संभाल सकता है, अदरवाइज नहीं। और बीमारियां बढ़ती चले जाएंगी और बीमारियों के रूप बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए इस बात पर आप गौर कीजिएगा, राजनीति मत कीजिएगा। कुछ लोग आएंगे चमचे, क्योंकि हमारा मित्र देश रूस भी है, हमारा मित्र देश फ्रांस भी है, हमारा मित्र देश सऊदी अरब भी है। यानी कि बात करें धर्मनिरपेक्ष देश की या फिर बात करें एक इस्लामिक देश की, तो पाकिस्तान चीन को छोड़कर लगभग देश हमारे मित्र देश ही हैं। भले ही वो हमें दुश्मनी की नज़र से देखते हैं या फिर भी हम उन्हें दुश्मनी की नज़र से देखते हैं, लेकिन जो हमारे रिश्ते हैं वो बरकरार हैं, यानी किसी तरह से कोई फूट नहीं है। और आज हम खड़े हैं फ्रांस के साथ, हम खड़े हैं रूस के साथ, क्योंकि रूस ने हमें भी मदद दी है और हम रूस को भी मदद देंगे। और आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी का एक्शन, नरेंद्र मोदी का वर्चस्व पूरे विश्व में लहरा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मोदी की मेहनत है और उनकी मेहनत रंग ला रही है। तो आप भी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय दीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो सच और सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। और मैं आपको जाते जाते बता दूं कि पुतिन गर्लफ्रेंड के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी बीमारी से जूझ रहे होने की वजह से वो आज अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। चलिए वीडियो समाप्त कर रहे हैं, बने रहिए ओनली न्यू नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।